नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। 2022 विधानसभा चुनाव से पहले कृषि कानून को पीएम मोदी ने वापस लिए जाने की घोषणा करके आम किसानों में असंतोष को खत्म करने का काम किया है। प्रधानमंत्री की घोषणा विधानसभा चुनाव में भाजपा को संजीवनी देने का काम कर रही है। वहीं पर आक्रामक विपक्ष से तीन कानून का मुद्दा भी छिनता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड सहित देश के पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा की है। एक साल से ज्यादा समय से कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों से आंदोलन को खत्म करने की अपील की और साथ ही कहा कि अगले महीने संसद के शीतकालीन सत्र में तीनों कृषि कानून को वापस लेने की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। पीएम मोदी के ऐलान के बाद तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की ओर सरकार ने पहला कदम बढ़ा दिया है। आज हुई कैबिनेट मीटिंग में तीनों कानूनों को वापस लेने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद अब इस बिल को संसद में पेश किया जाएगा। इस बिल को 29 नवंबर से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र में पेश किया जाएगा। इस बिल पर बहस होगी और वोटिंग होगी। इसके बाद बिल वापस होते ही तीनों कृषि कानून रद्द हो जाएंगे। उन्नीस तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी ने गुरुपूर्व के अवसर पर देश को संबोधित करते हुए ये घोषणा की थी कि तीनों कृषि कानून वापस लिए जाएंगे और ये तीनों कृषि कानून, जिसमें पहला कृषि उत्पादन व्यापार और वाणिज्य विधेयक 2020 है, दूसरा मूल्य आश्वासन एवं कृषि सेवाओं पर कृषक सशक्तिकरण एवं संरक्षण अनुबंध विधेयक 2020 व तीसरा जो है आवश्यक वस्तु संशोधन बिल को, इन तीनों को ही वापस लेने की उन्होंने उस समय घोषणा की थी। और उसके बाद आज जब कैबिनेट की बैठक हुई तो उसमें इन सभी औपचारिकताओं को पूरा करके कैबिनेट ने तीनों बिल वापस लेने का जो औपचारिकता है उसको पूरा किया है। कुछ ही दिनों के बाद अगले हफ्ते की शुरुआत में पार्लियामेंट का सत्र आएगा और ये जो दोनों तीनों विधेयक लोकसभा राज्यसभा में पूर्व में पास हुए थे, इनको वहां पर बाकी जो प्रक्रिया वापस लेने की वहां पर पूरी कर दी जाएगी। कृषि कानून के विरोध में चल रहे किसान आंदोलन से अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लिए चिंता बढ़ गई है। चुनावी राज्य उत्तर प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड में बीजेपी के लिए किसान आंदोलन एक बड़ी चुनौती बन गया था। पंजाब में अकाली दल कृषि कानून के चलते ही बीजेपी से गठबंधन तोड़कर अलग हो गई थी। किसान आंदोलन के चेहरे बन चुके राकेश टिकैत खुलकर बीजेपी को वोट से चोट देने का ऐलान कर रहे थे। किसानों की नाराजगी को दूर करने के लिए बीजेपी और मोदी सरकार ने तमाम जतन किए थे, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। बीजेपी के सामने बस एक ही रास्ता बचा था, कृषि कानूनों को वापस लेने का। ऐसे में पीएम मोदी ने गुरु पर्व का दिन चुना और तीनों कृषि कानून को खत्म करने का ऐलान कर दिया, जो चुनाव से पहले बीजेपी के लिए मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी। और इसी के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार।